नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आज हम लोग नाजिया इलाही खान, जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है और अभी बीजेपी में शामिल है और बहुत ही बीजेपी के एक्टिव वर्कर है, वेस्ट बंगाल में जो मॉनिटरी डिपार्टमेंट है इन्हीं को सौंपा गया है। और हम लोग देख रहे हैं कि अपनी सरगर्मियों को वजह कर वो अपोजिशन का मुंह बंद करते हुए दिखाई देती है। आज मुस्लिम खवातीन की जो मसाइल हो वो बेबाकी से और निडर होकर आवाज़ उठाती है। ये जो हम लोगों ने जगह देखा कि अब जो 3 तलाक का इश्यू आया, जो 3 तलाक का पटिशन था, सबसे पहले इन्हीं की फाइल की हुई थी। आज वो बीजेपी के बहुत ही एक्टिव वर्कर के हवाले से जाने जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक लेडीज़ के साथ साथ इनके दिल में एक दर्द भी है कि हमारी जो मुस्लिम ख्वातीन हैं उनके आंसू को कैसे पोंछा जाए, उनके जो मसाइल है उस मसाइल को कैसे दूर किया जाए। आज इसी इशू पर हम लोग उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुसलमान में इतनी पसमानदगी क्यों है और ये कौम अब क्यों मायूस दिखाई देती है। क्या करें कि इस कौम के अंदर भी उम्मीद पैदा हो और वो करने की चाहत में अपनी ज़िंदगी को गुजारें। मैडम, सबसे पहले आपका वेलकम हमारे चैनल में। अस्सलाम वालेकुम। आपका बचपन कहाँ गुजरा? मेरा बचपन दिल्ली में और बंगाल में गुजरा है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इन्वॉल्वमेंट महाराष्ट्र का भी रहा है। प्राइमरी तालीम कहाँ हुई आपकी? बंगाल में किस स्कूल से पढ़े हो आप? मैं यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हूँ। आप लोग कितने भाई बहन हो? हम चार बहनें हैं। अभी वाले साहब क्या करते हैं आपका? ही इज़ अ बिजनेस मैन। अभी तो आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हो, जी। सियासत में कैसे आए? सियासत में आने का एक्चुअली मैं शौक नहीं था, लेकिन क्योंकि समाज की जो बुराइयां नज़रों से गुजर रही थी, और ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी को जो दबता हुआ और मतलब बिल्कुल सफोकेट होता हुआ दिख रहा था, उस हिसाब से एडुकेशन हासिल करने के बाद कुछ बनने की ख्वाहिश ज़रूर थी, पर कुछ बनते बनते ही समझ में आया कि पॉलिटिक्स बहुत अच्छा ज़रिया होगा अपनी आवाज़ को फैलाने का और अपने आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का जहाँ तक मेरी आवाज़ एक एडुकेशन या एक डिग्री के बदौलत नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन अगर डिग्री के साथ साथ पॉलिटिकल एक सपोर्ट रहेगा तो मेरी आवाज़ पहुँच पाएगी, खास करके माइनॉरिटीज़ के लिए। आप जब सियासत में जुड़े हैं, आप माइनॉरिटी हो और लेडीज हो, जी तो जाहिर सा बात है कि उंगलियां भी बहुत उठी होगी। जी बहुत उठी हैं, बहुत ज़्यादा। इसको कैसे टैकल किया आपने? एक्चुअली मुझे जब मेरी उम्र 14 साल की थी तभी से उंगलियां उठने लगीं, क्योंकि क्लास 9 से ही मैंने एक एनजीओ बना लिया था, मुस्लिम वुमेन रेसिस्टेंस कमेटी, मुस्लिम ख़वातीन खिलाफत तंजीम के नाम से। और जितनी भी औरतों का कुछ ख़राब होता था या उनको उनके पति मारते थे या बच्चे पैदा करने के लिए ज़्यादा फोर्स करते थे, तो वहाँ से ही मुझे एक एक्टिव काम करने का एक अनुभव मिल गया था कि मुझे करना है उन लोगों के लिए। तो थाना ले जाना औरतों को, उनके लिए लेटर्स लिखना, जो भी टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी उसमें सब कुछ उनके लिए हेल्प करना। तो वहाँ से ही मुझे कहीं ना कहीं 14th ईयर से ही मुझे सुनने में आया कि बहुत ख़राब लड़की है, ऐसी है वैसी है। हालिया दो दो लड़कों ने मेरे अगेंस्ट मेरे लिए एक फेक मैरिज रजिस्ट्रेशन भी बना लिया था, जिसका केस भी चल रहा है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में। तो इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है, लेकिन ठीक है, इट्स ऑल राइट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मुझे हेजिटेशन की या मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, नाजिया उससे हारती नहीं है, थकती नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे ज़रा भी डर नहीं लगता है, या कोई इंसान भी मुझे फ़ोन करके अगर मुझे कुछ ख़राब बात भी बोलता है या मेरे सामने आने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, या मेरे पीठ पीछे भी अगर मेरे बारे में अफवाह उड़ाई जाती है कि इससे ये है उससे वो है, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह ने दो कान दिया है, मैं एक से सुनती हूँ दूसरे से उड़ा देती हूँ। अभी आप जो देखते हैं खासकर माइनॉरिटी में कि ख्वातीन जो होती हैं उनका क्या मसाला लगता है कि हल होना चाहिए लेकिन अब तक हो नहीं पाया? लेकिन एक मसला तो बचपन से जो मेरे सामने था, हालांकि मेरे ख़ानदान में कभी हुआ नहीं फैमिली में कि तलाक या हलाला ऐसी कोई चीज़, लेकिन ट्रिपल तलाक को मैंने एक ज़िद थी मेरी बचपन से कि मुझे इसको ख़त्म करना है, और मैंने ख़त्म किया। ट्रिपल तलाक की हिस्ट्री क्या है? शायद आप ही ने फर्स्ट पार्टी किया था उसके खिलाफ। 1984 में सायरा बानो से शाह बानो तक का ये मसला था। 2015 में मैंने इशरत जहाँ का पिटिशन फाइल किया था, और जिसमें मैंने बताया था कि कुरान पाक में भी तलाक बिल्कुल हराम है, बिल्कुल गलत चीज़ है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद की नज़रों में भी तलाक बहुत गलत चीज़ है। तो कुरान का हवाला जो मेरे पिटिशन में था, उस पिटिशन को सायरा बानो के पिटिशन से टैग किया गया था, और फिर हमारा हियरिंग एक साथ सुना गया था, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी काफ़ी सारी शिकायतें थी पिटिशन के साथ, लेकिन जब कुरान का हवाला देखा गया या हज़रत उमर फारूक के बारे में बताया गया कि हज़रत उमर फारूक एक तलाक पर 40 कोड़े पिटवाए करते थे,
तो अगर मोदी सरकार ने एक 3 साल की सजा मुकर्रर की है या जो नया रूल आया है या जो नया अमेंडमेंट हुआ है उसमें अगर सजा मुकर्रर हुई है तो वो तो कुरान को ही फॉलो कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने 40 कोड़ों का नाम दिया था, यहाँ 3 साल की सजा का नाम दिया गया है। तो फिर सामने वाले के पास कोई जवाब रह नहीं गया, जब कुरान ही मना कर रहा है तो इसको वो कैसे मना कर। जब आप जीते ये केस तो कैसा लगा जब आपका राज्यसभा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट पास हो गया था या हिस्टोरिकल वर्डिक्ट आया था तब भी मैं बहुत खुश हुई थी, जब राज्यसभा में पास हुआ तब भी मैं बहुत खुश हुई, और मैं पूरा समय लाइव में थी, मैंने गुलाम नबी आज़ाद की बात सुनी थी, एंड दैट टाइम आई वाज वेरी सफोकेट के गुलाम नबी आज़ाद एक बिंग अ मुस्लिम वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हम मुस्लिम कंट्री को क्यों फॉलो करें। तो वो मुझे उनका वर्ड, वो सेंटेंस मुझे बहुत बुरा लगा था, और मैंने नेशनल चैनल पर उनको रिप्लाई भी दिया था कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा बोलेंगे। आखिर मुसलमानों का जो एक मखसूस तबका है वो क्यों उसको नहीं मानता? देखिए, एक तो मुस्लिम कम्युनिटी में लड़कियों के अंदर या लड़कों के अंदर एडुकेशन की बहुत कमी है। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादती हुई है, बिल पास नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ज्यादती तो हुई नहीं है। आप मुझे बताएं कि क्या प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि तलाक जायज है या तलाक अच्छी चीज है? लोगों का इल्जाम ये है कि अगर 3 साल जब उनको सजा हो जाए तो उनका घर कैसे चलेगा। तो ऐसे तो कई मर्द रेप केस में है, बैंक रोबरी केस में है, डकैती केस में है, मर्डर केस में है, तो सबके तो परिवार है ना, सजा ही सजा। एंड ट्रिपल इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो जो भी आप गुनाह कर रहे हैं उसमें आपको जेल जाना है तो फिर आप जो बाकी के लोग जेल में जो मर्द है उनको भी रिहा कर दीजिए, उनका भी तो परिवार है, उनका परिवार कैसे खा रहा है? जिनको उम्र कैद की सजा उनका परिवार कैसे खा रहा होगा? तो सजा ही सजा, एंड दिस इज द बेस्ट लेसन फॉर फ्यूचर। दो बंदे जहाँ जेल गए ना तलाक दे करके, जेल की हवा खा के आएंगे, तो तीसरा बंदा तलाक दे करके किसी औरत की जिंदगी बर्बाद करने से पहले 200 बार सोचेगा। तो क्या लगता है ये आने से कुछ सुधार आएगा? बहुत नहीं, जब ये वर्डिक्ट आ गया था सुप्रीम कोर्ट से तभी सुधार आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उसके बाद मेरे पास ऑलमोस्ट 27-28 केसेस आए थे जिसमें से 80% केसेस सॉल्व हो गए। अच्छा, यहाँ दो मसला देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसको पहले रद्द कर चुका है कि 3 तलाक नहीं माना जाएगा, ठीक है? तो जब 3 तलाक कानूनन तौर पर नहीं माना जा रहा है जुर्म हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से बोलती है कि 3 तलाक जुर्म है, आज पे 3 साल का सजा? नहीं, वर्डिक्ट में ये साफ लिखा गया था कि बाकी इसको लोकसभा और राज्यसभा इस पर पूरा कानून बनाएगी। तो उन्होंने अपना काम किया है, कानून बनाने का काम तो राज्यसभा और लोकसभा का, तो उन्होंने अपना कानून बनाया है और बहुत खूबसूरती से बनाया है। अगर आप पूरा उसको पढ़ेंगे, पूरे बिल को पढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत है। और ये बिल्कुल मतलब दक्यानुसी बात है कि वो जेल चला जाएगा तो परिवार कौन संभालेगा। तो मैं तो बार बार कह रही हूँ कि तो फिर जेल में जितने लोग हैं सबको छुड़ा दो, क्योंकि सबका परिवार है, कोई एक ऐसा आदमी अंदर नहीं होगा जिसका परिवार नहीं होगा। तब तो कोई रेप करेगा, कहेगा भाई मेरे बीवी बच्चे, आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे 7 साल के लिए अंदर डालोगे तो मेरे बीवी बच्चों को कौन खिलाएगा? तो क्या क्रिमिनल को अरेस्ट और जेल में तब डाला जाएगा जब उसका कोई परिवार नहीं होगा? ऐसा होता है क्या कहीं भी? ऐसा नहीं होता। इसलिए जो हुआ है आपको लग रहा है ये ठीक हुआ? बिल्कुल सही हुआ है। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा जो 3 आपका 70 जो आर्टिकल था, ये जो कश्मीर में हुआ जी जी, क्या लगता है आपको पाकिस्तान इसको कितना भुना पाएगा? देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत कंट्री है, हमने एम्स बनाए हैं, हमने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया है, हमने संस्कृति को आगे बढ़ाया है, हमने जज्बात को आगे बढ़ाया है, हमने सम्मान को आगे बढ़ाया है। और पाकिस्तान ने क्या किया है? लश्करे तैबा को आगे बढ़ाया है, ISI को आगे बढ़ाया है, तो ये कंपैरिजन है ही नहीं। हमारे हिंदुस्तान से पाकिस्तान का कंपैरिजन है ही नहीं। इस इशू को कितना भुना पाएगा वो तो कोशिश करेगा, उसको इंटरनल इशू बनाएगा, इशू बनाने की कोशिश करेगा। हर कमजोर आदमी को आवाज ऊंची करने के लिए कोई एक मुद्दा चाहिए होता है। मैं ये कहूंगी कि 72 साल की जो गलती थी उसको अमित शाह जी ने और मोदी की सरकार ने उसको रेक्टिफाई किया है, उसको सही किया है, और आज हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति बहुत खुश है, खास करके कश्मीरी। बिकॉज मेरी अपनी पुप्पो जो है वो कश्मीर में रहती हैं, और उन्होंने फ़ोन करके कहा है कि हमें फील हो रहा है कि हमें आज़ादी मिली है, आज हम ये फील कर रहे हैं, बींग अ मुस्लिम, उन्होंने ये कहा है कि हम फील कर रहे हैं कि हमको
फिर से आज़ादी मिली है। देश के कुछ लोग हैं जो 370 धारा को बाखूबी तरीके से समझ नहीं पा रहे, इसी कारण लगता है प्रॉब्लम हो रहा है। एग्जैक्टली, मैं तो ये कहूंगी कि 370 धारा और 35A को आर्टिकल को लोग, खास करके हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो नहीं समझ पा रही है। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा छोटा अवेयरनेस करेंगे और जितने भी मंच अभी होंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हो, उसमें हम जरूर बताएंगे कि 370 धारा और 35 है इसको क्या। संक्षेप में बताना चाहेंगे? मैं मंच पे जरूर बताऊंगी नहीं, लोगों को इंशाल्लाह। कहना कि अचानक एकदम सब सबकी आवाज को दबा नहीं, नहीं के अचानक तो ये आना है फलाना, नहीं। किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं नहीं, नहीं, दिया नहीं, नहीं, गया। नहीं, नहीं। देखिए 370 धारा, देखिए देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, 370 धारा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, पार्ट 12 में आता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि उसके आगे टेम्प्रेरी लिखा हुआ है। दैट वॉज टेम्प्रेरी, दैट वॉज नॉट परमानेंट। लेकिन घिसते घिसते भी वो परमानेंट की शक्ल लेने जा रहा था, कांग्रेस की सरकार उसको हटा नहीं पा रही थी। आखिर जब जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में जब 370 धारा को बनाया गया तो आगे टेम्परेरी क्यों लिखा गया? कोई एक रीज़न तो रहा होगा टेम्परेरी बोलने का। तो उस रीज़न को किसी मुसलमान ने समझने की कोशिश नहीं की कि टेम्परेरी क्यों लिखा है वही जवाहरलाल नेहरू, जिसको शायद मुसलमान कौम अपनी मसीहा समझती है। ऐसा ही एक चीज़ है जो आरक्षण जिसे बोला जाता है जी, वो भी अस्थायी तौर पे है। देखिए उसको हर भी नहीं बनाया चीज़ें, गया है। देखिए हर चीज़ें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। हर वो गलतियां जो कांग्रेसियों ने 53 ईयर और 72 ईयर अगर पूरा जोड़ा जाए तो किया है, उसको इंशाल्लाह वल रहमान ये सरकार जरूर ठीक करेगी। अच्छा, देश भर में देखा जाता है कि आदिवासियों की जमीन आप नहीं खरीद सकते हैं, तो इस पे क्या गवर्नमेंट कुछ नया कानून लाएगी? अगर ये जरूरी होगा हमारी जनता के लिए, हमारे हमारे स्टेट्स के लिए, तो इंशाल्लाह जरूर। इसके बाद फिर अब एक इशू हम लोग देख रहे हैं कि दहेज कोटने वाला है, क्या लगता है इसकी तरफ भी आपको कुछ? इसलिए तो आप डेपुटेशन भी दिए हैं। हाँ, मैंने डेपुटेशन दिया है, मेरा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हलाला पॉलीगेमी एंड तलाक़ हसन इज़ ऑलरेडी फाइल्ड, दो हियरिंग भी हो चुकी है। एंड मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाला भी था कि मतलब चीफ जस्टिस सुनने को रेडी भी हैं मेरे मेरे इस पिटिशन को, पॉलीगेमी को। नेक्स्ट मेरा है कि मुस्लिम कम्युनिटी में, क्योंकि हमारे कुरान में साफ लिखा हुआ है कि जहेज़ लानत है, मलामत है, नदामत है, बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है कि जहेज़ लेना या देना दोनों ही गुनाह है। लेकिन आपके बिहार में, आपके यूपी के कुछ एरिया, कुछ नहीं काफ़ी एरिया में, मुस्लिम्स एरिया में, मैं खास करके मुसलमानों के लिए बोल रही हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि हम बहुत इस्लामिक हैं, हम बहुत ज़्यादा अपने हुजूर की सुन्नतों को मानते हैं। यूपी वाले बोलते हैं? नहीं नहीं, यूपी वाले नहीं, मतलब जितने भी मुसलमान हैं, पूरे इंडिया के जितने भी मुसलमान हैं, उनका ये दावा है कि वो बहुत ज़्यादा इस्लाम मानते हैं। तो मैंने जहाँ जो जो विज़िट किया है, मैं वो बता रही हूँ, मैंने बिहार विज़िट किया है जिसमें मैंने देखा है कि बहुत बुरे तरीके से कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बहुत बुरे तरीके से जहेज लेते हैं, और जहेज को इजी मनी का उन्होंने एक तरीका बना लिया है। और दिस इज द रीजन के डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लड़कियों पर, बहुओं पर जुल्म होता है। अगर वो पैसा ना ला करके दे तो उनको घर से निकाला जाता है, उनको बच्चे से। कई ऐसी माएँ हैं जिन्होंने ये तक मुझे लिख करके दिया है कि मेरे बच्चे को मुझे 2 साल से मिलने नहीं दिया जा रहा है, कि जब तुम पैसा मायके से लेकर आओगी तब तुमको मिलने देंगे बच्चे से। इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए? जहेज को, जैसे ट्रिपल तलाक को हम लोगों ने एक बिल बना के बंद किया, वैसे ही जहेज को बिल बना के बंद करना पड़ेगा। एक वर्डिक्ट लाना पड़ेगा, एक एक कानून बनाना पड़ेगा, एक सही तरीके से कानून ला करके तब उनको दिल में डर आएगा कि जहेज नहीं लेना है। इससे पहले आप कहें कि मुस्लिम लड़की लड़कों में इल्म की बहुत कमी है जी, इसके लिए आपकी गवर्नमेंट क्या करेगी? जी, मैंने अभी एक पिटिशन फाइल रेडी किया है, फाइल नहीं किया, अभी मैंने एक पिटिशन रेडी किया है जो मैंने मैं इस बार जब दिल्ली जाऊंगी तो मैं हमारे लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी हैं, मैं उनको दूंगी भी, जिसमें मैंने ये सोचा, ये मतलब अपना एक थॉट दिया है कि जब तक लड़कियों का क्लास 12 कम्प्लीट ना हो तब तक निकाह ना हो, निकाह के वक्त क्लास 12 का सर्टिफिकेट देखना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि एक खूबसूरत फैमिली को बसने के लिए हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में लड़कियों का एडुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां जब पढ़ती हैं तो दो संसार पढ़ता है, एक माँ बाप का और दूसरा ससुराल का। और लड़कियों को एक इल्म हो जाती है कि हम कैसे संभालेंगे अपने ससुराल को, हर एक की थिंकिंग थॉट्स को संभालने के लिए। और क्लास 12 होने के बाद लड़की थोड़ी मच्योर भी होती है, हमारे यहाँ शादी क्लास 9 में हो जाती है, हमारे यहाँ शादी क्लास 10 में हो जाती है, क्लास 11 में हो जाती है, क्लास 8 में हो जाती है। आप सोचो, जब लड़कियों को ये नहीं पता होता है कि वो एक्चुअली में लड़की है,
उसको ये पता होता है कि हम बच्चे हैं और हमारा काम है पंछियों की तरह उड़ना, तब उनको ये जिम्मेदारी दे दी जाती है कि तुम्हारे हस्बैंड के रिक्वायरमेंट तुम पूरे करो, तुम अपने सास के रिक्वायरमेंट पूरे करो। जब उनका पढ़ने का वक्त होता है, जब उनको आज़ाद से उड़ने का वक्त होता है, जब उनको अपनी कैपेसिटी अपनी अपनी अपना हुनर दिखाने का वक्त होता है, तब उनकी शादी कर दी जाती है। तो एटलीस्ट क्लास 12। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान जो वो डेवलपमेंट कंट्री में उनका पांचवा मुकाम था, लेकिन अचानक वो मुकाम खिस गया, नीचे आ गया, इसकी क्या क्या वजह लग रहा है आपको? यहाँ पर इंडिया में जो मॉडर्न ईरा जो एक्सेप्ट करने का जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। अगर उसको हर लोग, हर एक कास्ट ग्रेड के लोग एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दे तो मुझे लगता है, और एडुकेशन पर ध्यान देना स्टार्ट करें तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। रोजगार क्या लग रहा है, बढ़ रहा है इसके अंदर? देखिए, 53 साल तो कांग्रेसियों ने हमारा बर्बाद कर दिया, 53 ईयर्स। अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बंगाल, तो आप बंगाल को ही सोच लो, 36 साल लेफ्ट फ्रंट ने बर्बाद किया, या अभी ऑलमोस्ट 9 साल हमारी दीदी ने बर्बाद कर दिया। हम लोगों का क्या डेवलपमेंट हुआ? आप तो मुस्लिम हैं, आप बताइए क्या आप मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने? आपने कहा कि बर्बाद किया, मैंने आपको लगता है क्या बर्बाद? वेस्ट हुआ है। एडुकेशन पर कोई काम नहीं हुआ है, डेवलपमेंट पर कोई काम नहीं हुआ है, इम्प्रूवमेंट पर कोई काम नहीं हुआ है। मुस्लिम मोहल्लों को जाकर के देखिए, आज भी बद से बदतर हालात है। बगल में खेला बगान है, वहाँ जा कर के देखिए आप, कलेजी पट्टी जा कर के देखिए आप, पाक सर्कस जा कर के देखिए, आपको समझ में आएगा। आप चूना गली जा कर के देखिए, जकरिया स्ट्रीट जा कर के देखिए, आपको जवान लड़के दोपहर के 2 बजे ब्रश करते हुए दिखाई देंगे। बहुत ट्रांसपेरेंट बात में बोल रही हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात में बोल रही हूँ, जो जो मैंने करीब से देखा है। अब आप सोचो कि युवा पीढ़ी का मुसलमान लड़का अगर 2 बजे दोपहर में जींस पैंट पहन करके गली के बाहर ब्रश कर रहा है, अपने दांत धो रहा है, तो वो हमारे समाज का पिलर कैसे बन सकता है? वो हमारे समाज को आगे कैसे ले जा सकता है? तो आपको क्या लगता है, जिस जिस मर्दों की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हमको अपने समाज का एक आइडियल बनना है, उस मर्दों की जिम्मेदारी ये होती है कि मेरी बहन बुरखा पहन के बाहर निकली है कि नहीं निकली है, ये देख रहे हैं वो। तो अब सोचो कि हमारा समाज बढ़ेगा कैसे? तो समाज को बढ़ने के लिए आपको लगता है क्या करना चाहिए? सारी एडुकेशन एडुकेशन मस्ट करना चाहिए था हमारी दीदी मुनि को। सारी जिम्मेदारी तो हुकूमत में नहीं है। हमारी भी कुछ ना, ना, ना। आप आज हुकूमत ने ट्रिपल तलाक बिल पास किया ना, एक रोक लगाया ना, एक डर पैदा हुआ ना कि अगर हम तलाक देंगे तो हम जेल जाएंगे। उसी तरीके से दीदी को ये करना चाहिए था कि मुस्लिम समाज की लड़कियां अगर नहीं पढ़ेंगी तो उनके घर घर पर हम विजिट करेंगे, उनके घर से, उनके माँ बाप से हम पूछताछ करेंगे कि आप क्यों नहीं पढ़ने दे रहे। एक ऐसा ऑनलाइन उनको खोलना चाहिए था कि लड़कियां फ़ोन करके डायरेक्ट बोल सके कि मेरे फैमिली से मुझे एडुकेशन नहीं लेने दिया जा रहा है, या मेरा ये डिग्री है, मुझे ये नौकरी नहीं मिल रही है। आज कितने ऐसे लड़के हैं, और एक ऐप खोलो ना, दीदी को बोलो, दीदी को बोलो, क्या बोलो? पिछले 9 साल से क्या कर रही थी वो? नींद में सो रही थी क्या जो अचानक से उनका गुड मॉर्निंग हो गया? आप मुझे एक बात बताएं, आप रफी अहमद खिदवाई रोड में आप ऑटो पे बैठिए, रोज बैठिएगा, आपको रोज में से रोज 3-4 ट्रिप आप आइए और जाइए, आपको तकरीबन ऐसे लड़के 7-8 लड़के मिल जाएंगे जिन्होंने एमए की डिग्री ली हुई है, उर्दू में एमए की डिग्री, कोई वर्णा आजाद कॉलेज से पढ़ करके, कोई किसी कॉलेज से पढ़ करके, और उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो दीदी अगर उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान बना चुकी हैं, जो उन्होंने बहुत पहले बोल दिया था, तो हर डिपार्टमेंट में एक डेस्क तो दे ही सकती हैं। सब जगह नहीं बनाए, जहाँ 10% आबादी वही बना है, फिर भी तो डेस्क नहीं है। आप पूरे पश्चिम बंगाल के, चलो छोड़ दो आप सारे डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आप छोड़ दो, आप पूरे पश्चिम बंगाल के किसी भी एक थाना में उर्दू में आप कंप्लेन लेटर दर्ज कर दो, मैं मान जाऊंगी आपको, एक कंप्लेन लेटर उर्दू में दर्ज कर दो, उड़ा के फेंक देता है। मैंने ये किया हुआ है। जब दीदी ने कहा था कि मैंने उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान बना दी, मैंने ये किया, मैंने ऑलमोस्ट 10 थाने में उर्दू, मेरी उर्दू बहुत अच्छी है बिकॉज मेरी मम्मी उर्दू ऑनर्स है, मैंने उर्दू में लिखा चिट्ठी और उसके बाद मैंने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट थाना में उसको भिजवाया, उन लोगों ने फेंक दिया, बोले ये हम क्या करेंगे, ये तो हम समझ ही नहीं रहे। तो आप सोचो कि अगर वो मुसलमानों का दर्द उनके दिल में होता तो वो कम से कम 10% ही, अगर वो हर डेस्क पर मुस्लिम का एक जगह देती, उर्दू जुबान को एक जगह देती, तो मैं नहीं कह रही हूँ कि बंगाल के सारे मुसलमानों को नौकरी मिलती, लेकिन कम से कम 1 लाख को तो मिलती। नहीं, आप तो बंगाल का बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग देख रहे हैं झारखंड में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, वहाँ कहाँ मुसलमान खुश है? देखिए, मैं फिर आपसे कहूँगी कि 72 साल को हम 5 साल में ठीक नहीं कर सकते हैं, हमको भी दीजिए 72 साल, हम ठीक करके दिखाएंगे। तो क्या लग रहा है आपको अब आने वाले इलेक्शन में, आने वाले कर देंगे आपको? क्यों नहीं, बिल्कुल, ये पूरा बंगाल गेरुआ रखेगा।
पूरा पूरा नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं तो असेंबली का रंग भी मैंने सोच रखा है। क्या रंगी है? गेरवा। आप तो एडवोकेट हो, पॉलिटिक्स में आ गए हो, अपने आप को अभी आप कहाँ देख रहे हो? एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हूँ मैं, भाजपा ने मुझे एक ऐसी जगह दी है जहाँ से माइनॉरिटीज़ के लिए मैं अपनी आवाज़ पूरे देश भर में फैला सकती हूँ, और मेरे एक ट्रिपल तलाक की आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी सरकार है, ये एक ऐसी पार्टी है जिसको सांप्रदायिक कहा जाता है, और वो सांप्रदायिक पार्टी लोकसभा में और राज्यसभा में लड़ पड़ी मुसलमान औरतों के अधिकार के लिए। अभी जो हुकूमत, इनके बारे में कहा जाता है कि इस हुकूमत में आवाज़ को दबाई जाती है, तब कैसे आवाज़ उठाओगे? पता नहीं, मेरी आवाज़ तो कहीं नहीं दब रही है, मैं तो हर जगह अपनी आवाज़ फैला रही हूँ। आइए बंगाल की तरफ आते हैं। बंगाल में क्या लगता है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए क्या होना चाहिए? मुस्लिम लड़कियों के लिए सबसे पहले एडुकेशन होना चाहिए, सेकेंड थिंग कि शादी उनकी, मैं हर माँ बाप से हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि शादी जल्दी ना करें, उनको पढ़ने दें, उनको अपनी अपने पैर पर खड़ा होने दें, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है, जो सिनेरियो है, वो उसमें एडुकेशन बहुत मस्ट है, बहुत मस्ट है। और अभी मैं अभी दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा, और एक लग्जेरियस लाइफ के लिए हस्बैंड वाइफ का अर्निंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक कि उनको पढ़ने दें, उनको अपने, और ब्लड अच्छा होगा तो कोई ख़राब काम नहीं करेगा। वाई ऑलवेज थिंक नेगेटिव, थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। अब आखिर में आपसे ये पूछें कि मॉब लिंचिंग के इशू ने तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्या लग रही है, ज़्यादती हो रहा ना सरकार की चाल है? देखिए, मॉब लिंचिंग के जितनी भी घटनाएं आई हैं, मैंने 2-4 घटनाओं को बहुत डेप्थ में देखा, और कुछ घटनाएं तो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई थी कि वो फेक है, मतलब लोग किसी को मार रहे हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं, वो तो पूरा वीडियो जब वो निकल के आता है तो पता चलता है कि भाई दोनों आपस में ही एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे थे। तो अभी मैं, ऐसा सब जगह हुआ है ना, कहीं कहीं कुछ सच्चाई भी है। देखिए, 5 fingers आर नॉट लाइक, मैं आपको नहीं कहूँगी, लेकिन जहाँ तक मेरे कान तक आया है, मैं इसको फेक ही बता रही हूँ। सेकेंड थिंग, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि सरकार हमारी है, सेंट्रल कैबिनेट हमारे हैं, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान हमारे रंग में रंगा हुआ है, हमें मॉब लिंचिंग करके छोटा काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप लोग इस पर कानून क्यों नहीं बना रहे? बनाएंगे, मैंने फिर मैं आपको कहूँगी कि हमें 72 साल रहने दीजिए ना, फिर देखिए हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँचता है, आप देखिए। तो चलिए आखिर में, अभी जो नौजवान हैं जिनके पास मायूसी है, उसके लिए क्या मैसेज है आपका? जितने भी नौजवान हैं या जिनका जिनकी मायूसी आ रही है, मैं उनको एक ही बात कहूँगी कि सबसे पहले तो आप मोदी सरकार पर विश्वास करें, क्योंकि हमें सिर्फ 5 साल मिला है, और हमने अपना एफर्ट लेवल हाई करके जितना हम कर सकते थे हमने किया, लेकिन अपना होप ना खोएं, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत खूबसूरत है, फिर से हिंदुस्तान सोने की चिड़िया होने वाला है, और इस खूबसूरत हिंदुस्तान को देखने के लिए एडुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे एडुकेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्राइम घटेगा। तो और लड़कियों के लिए खास करके, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, तो इसलिए मैं उनको कहूँगी कि एडुकेशन पर बहुत ध्यान दें, और अगर आपको अपने सेल्फ का एक जो डर रहता है कि पता नहीं बाहर क्या होगा, हम बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए तो हमको क्या किया जाएगा, तो ये नहीं सोचना चाहिए। मैं भी एक मुस्लिम फैमिली की लड़की हूँ, और मैं आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ, कोई भी इंसान मुझे दो बात मेरे सामने आकर बोलने या कुछ भी करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचता है। तो आप भी अपने आप को स्ट्रांग समझो, अपने आप को उस काबिल समझो कि कोई भी आपका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएगा जब तक आप नहीं चाहोगे। कुछ लड़कियाँ हैं जी जिनके पास पैसा नहीं कि वो कोर्ट का रुख करें, अब वो हेल्प चाहती है, उसके लिए क्या करूँ? देखिए, मैं जहाँ तक जानती हूँ कि हमारे बीजेपी में भी कई ऐसी लड़कियों का केस देखा जा रहा है, मैं हर महीने खुद 10-12 केसेस फ्री में देखती हूँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने इशरत जहाँ का केस फ्री ऑफ कॉस्ट देखा था, ट्रिपल तलाक का। तो उन लोगों को सुविधाएँ मिल रही हैं, मिलती आ रही हैं, वो लोग हम लोगों को कॉन्टैक्ट करें, जहाँ तक हम लोगों से होगा वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट फॉर द जस्टिस ऑफ देम। मुसलमानों की भलाई के लिए और आप क्या करोगे? आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं अभी पॉलीगमी, तलाक एहसन और हलाला का मेरा ऑलरेडी फाइल हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, एंड द रिट पिटिशन सिविल नंबर इज 544/2018 में ही मैंने फाइल कर दिया था। नेक्स्ट मेरा जो है वो मैंने आपको बताया कि जब तक 12 नहीं होगा तब तक निकाह नहीं करवाना है।
एंड द थर्ड वन इज़ के जहेज़ बिल्कुल से ख़त्म करना है, उस पर भी एक कानून लाया जाए। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, इससे मुस्लिम कम्युनिटी को, सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को ही फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हर बेटी के बाप को और भाई को भी रिलीफ मिलेगा। नाजिया लाई की जो आवाज़ है, जी इसको हम लोग कब तक पार्लियामेंट में गूंजते हुए देख सकते हैं? ये तो दुआ है आप लोगों की, जब आप लोग दिल से दुआ करेंगे तो उस दिन शायद मैं उस काबिल हो जाऊँ। वहां तक आपकी आवाज पहुंचे। दुआ चलिए, इंडिपेंडेंस है, इसके लिए क्या मैसेज है आपका? बकरीद के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस किसी के भी दिमाग में खुराफात घूम रहा है वो ना घुमाए बराए मेहरबानी, क्योंकि हमारे इस्लाम का मतलब पीस होता है, हमारे इस्लाम का मतलब शांति होता है, भाईचारगी होती है, हमारे इस्लाम का मतलब हुड़दंगबाजी नहीं होता है। आप कुर्बानी करें, बिल्कुल करें, आपको खुदा ने सलाहियत दी है, उसका तीन हिस्सा जैसे रिश्तेदारों में गरीबों में बांटा जाता है वो करें, अपने पास एक हिस्सा रखें, और जितनी भी कुर्बानी के जो ज़ाये सामान होते हैं उसको, जो फेंकने मतलब ज़ाये करने के सामान होते हैं उसको बहुत अच्छा से आप ज़मीन में दफनाएं, उसके खून को भी आप ज़मीन में दफना दें या अच्छे से कंटेनर में लेकर के उसको फेंकें, किसी को भी हार्म करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी एक आप मेंटली हैरस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब एक साथ रहें, प्यार से रहें, तो हमारे लिए भी सबसे अच्छा वीडियो होगा। लेना बनाए और किसी भी तरीके को कोई वीडियो या फोटो ना खींचे, और सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी ना डालें, सोशल मीडिया पर मुबारकबाद डालें, खूबसूरत बातें डालें, कुर्बानी करते हुए एक आप सुन्नत कर रहे हैं उसको करते हुए ये सब डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे कुरान में भी लिखा है कि फ़ोटो फ़ोटो तो हमारे कुरान में है ही नहीं। तो मैं उनको भी कहती हूँ जो हज को जाते हैं वो फ़ोटो खींचते हैं मक्का मदीना से, वो भी ना करें, क्योंकि जब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद का फ़ोटो नहीं है तो फिर हम कौन होते हैं फ़ोटो खींचने वाले मक्का और मदीना के सामने। तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखें, जो कम से कम कुरान कह रहा है उसको तो जरूर फॉलो करें। इसके बाद इंडिपेंडेंस डे है और राखी है, त्योहार है। इंडिपेंडेंस डे के लिए मैं कहूंगी कि देश अब आजाद होने वाला है, क्योंकि मोदी जी की जो सरकार है वो वाकई में बहुत खूबसूरत काम कर रही है, एक आज़ादी हम लोगों को मिलने वाली है। गांधी जी के वक्त में उनका जो एफर्ट था, उन्होंने जो परिश्रम किया था, उन्होंने जो एक हम लोगों को आज़ादी दिलाई थी इन मतलब अंग्रेज़ों से, कहीं ना कहीं कांग्रेस के आने के बाद और हमारे स्टेट में ममता दीदी के वन वन वुमेन आर्मी रूल आने के बाद हम लोगों को एक सफोकेशन फील हो ही रहा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम लोग खुद में रिलीफ फील कर रहे हैं, और हम तमाम मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के बाद खुद में बहुत रिलीफ फील कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंस डे आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन साथ साथ में ये जरूर कहूंगी कि इंडिपेंडेंस डे को मनाएं, बहुत खूबसूरती से मनाएं, लेकिन जो इंडिपेंडेंस डे का गीत है उसको एक एक वर्ड समझें, बूझें और उसको अपने ऊपर अप्लाई करें। राखी भी उसी दिन है। रक्षाबंधन के लिए एक्चुअली मुझे खुदा ने भाई दिया नहीं है, हम चार बहनें हैं, तो मैं चाहूंगी कि मेरे जितने भी हिंदुस्तान में भाई हैं उन सबको राखी की मुबारकबाद, और इस बहन के लिए ज़रूर दुआ करें कि मैं और आगे आगे माइनॉरिटीज़ के लिए और सारे कास्ट और क्रीड के लिए काम कर सकूं, खास करके महिलाओं के लिए काम कर सकूं, क्योंकि एक महिला होने के बाद मुझे एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि महिलाओं के हर एक तकलीफ़ और दर्द का एक जस्टिस मिले उनको, और उनके जो दर्द की आवाज़ है वो लोकसभा और राज्यसभा में गूंजे और वहां से उनको इंसाफ मिले। आपने हम लोगों के साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।